रेवाड़ी के हुड्डा मैदान रैली में एक ऐसा पल आया जैसे ही कैप्टन योगेंद्र यादव परमवीर चक्र विजेता ने हुड्डा मैदान में एंट्री की, उसी समय झुंझुनू के पूर्व सैनिकों के संगठनों ने 1000 फीट लंबा तिरंगा लेकर एंट्री ली और ये पल देखते ही वहां पे ऐसे है कि समा ही बदल गया। पूर्व सैनिकों को ऐसा जोश आया कि भारत माता की जय, हम कोई भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं। आज हुड्डा मैदान से आवाज़ सीधी प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है, क्योंकि इसी मैदान में प्रधानमंत्री जी ने पूर्व सैनिकों से वादा किया था कि आपको हम असली ओआरओपी देंगे। लेकिन पूर्व सैनिक आज भी केंद्र की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कब ऐलान करेंगे कि जो अधिकारियों को पूरा का पूरा 75,000 करोड़ रुपये का फंड चला गया है उसको वापस निकलवा कर पूर्व सैनिकों को दिया जाए। जहां जिनको वन रैंक वन पेंशन लागू ही नहीं थी उनको 75,000 करोड़ रुपए का 97% दे दिया, जबकि 97% पूर्व सैनिकों को केवल 3% भी नहीं मिला, क्योंकि ये एक जनरल वीके सिंह और इनके साथ जितने अधिकारीगण थे उनकी साजिश थी कि रेवाड़ी में आप रैली करो, क्योंकि रेवाड़ी में हर घर में 2 से 3 सैनिक और पूर्व सैनिक है और इनके यदि वोट मिले तो हमारे को पूर्व सैनिकों का पूरा समर्थन मिल जाएगा। और वही हुआ, सैनिकों को धोखे में और विश्वास में लेकर वोट बटोरा, लेकिन आज सैनिकों को लाचारी पर छोड़ दिया है, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। आज लगभग 6 महीने से वो लगातार मांग उठा रहे हैं लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा उनके पास में नहीं पहुंचा, उनसे उन्होंने बात नहीं की या उनसे उनकी तकलीफें नहीं पूछी। तो कोई बात नहीं, वही 2013 का हुड्डा मैदान आज उस समय प्रधानमंत्री जी के कारण आज पूर्व सैनिकों को सुन रहे हैं। आज वहाँ से पूर्व सैनिक आवाज कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वही आवाज 2013 में आगे देखिए पूरे वीडियो का और दिल्ली के पूर्व सैनिकों को सलाम और कैप्टन योगेंद्र यादव जी जिन्होंने पूर्व सैनिकों की पेंशन विसंगतियों की आवाज को सुनते हुए उनको समर्थन दिया है, उनको भी हम ग्रांड सैनिक कहते हैं। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.